जापान दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला देश में से एक देश है। जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना जल्दी तरक्की कर चुका है जिसे देखकर लगता है कि जापान 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। जापान के लोग हर छोटी से छोटी चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं जापान के ऐसे आविष्कारों के बारे में जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जापान 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। और नंबर एक पर है कलर चेंजिंग क्लोथ। अभी तक आपने स्मार्टफोन और कई स्मार्ट चीजों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जापान के लोग स्मार्ट ड्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कपड़े के कलर को आप अपने मन चाहे कलर में बदल सकते हैं। यानी जापानीज लोगों को अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग तरह के कपड़े नहीं खरीदने पड़ते हैं, बस कलर चेंजिंग क्लोथ पहनकर चले जाए, अपने मन चाहे कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है इंटेलिजेंट पार्किंग चेयर। जापानीज लोग अपने ऑफिस में बहुत ही स्मार्ट और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट वाली चेयर को यूज करते हैं। यह दुनिया की पहली ऑटोमेटिक चेयर है। इस चेयर के सामने क्लैपिंग यानी कि ताली बजाते ही यह अपनी जगह पर सेट हो जाती है। इस चेयर को इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्टेंट पर इंस्पायर होकर बनाया गया था। और यह चेयर 360 डिग्री में घूम सकती है और यह चेयर को इसके वाईफाई के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर है मनो रेल ट्रैक फॉर ट्रेन। यह दुनिया का एक ऐसा ट्रैक है जहां पर एक साथ चार ट्रैक बनाया गया है और ट्रैक जब ट्रेन आने वाली होती है तो उसका पता उसको पहले ही से ही चल जाता है और ट्रेन के स्टेशन के हिसाब से ट्रैक चेंज होते रहते हैं। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ट्रैक सेंटर के हिसाब से और ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर है हाईवे थ्रू बिल्डिंग। जापान में एक ऐसा हाईवे है जो बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरता है। पहली बार देखने पर तो आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इस खूबसूरत नजारे को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ऐसी अजीबोगरीब चीज आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। दरअसल यहाँ एक हाईवे बनना था, लेकिन इस जमीन के मालिक ने सरकार को अपनी जमीन देने से मना कर दिया, जिसके चलते जापान सरकार को इस बिल्डिंग के छठे, सातवें और आठवें फ्लोर पर हाईवे बनानी पड़ी थी। और पांचवें नंबर पर है टॉयलेट्स इन एलिवेटर। दुनिया भर में ऑफिस बिल्डिंग और होटल रूम में जल्दी पहुंचने के लिए एलिवेटर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन जापान के इन एलिवेटर में टॉयलेट की भी सुविधा होती है, क्योंकि कभी कभार अचानक बिल्डिंग में लाइट चली जाती है। ऐसे में लिफ्ट में फंसे लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए एलिवेटर में भी टॉयलेट की सुविधा दी गई है। और छठे नंबर पर है हाई स्पीड ट्रेन। जापान की हाई स्पीड ट्रेन, जिसको मैगवेल ट्रेन भी कहा जाता है, जो एक बहुत बड़े पैमाने पर चुंबकों की चुंबकीय शक्ति के इस्तेमाल से चलती है, जिसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है, और बिना पहियों के भी चलती है। मैगवेल ट्रेन को सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था, जिसकी स्पीड 581 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर आप इस ट्रेन को देखने के लिए खड़े रहेंगे तो जब वे ट्रेन आएगी तो पक्का आप डर जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है। और सातवें नंबर पर है ऑटोमेटिक डोर। भारत में रेलवे प्लेटफॉर्म में भीड़ की वजह से हर दिन कई लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जापान में लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक डोर लगाए जाते हैं, जो ट्रेन के रुकने पर ही खुलता है और ट्रेन के चलते ही यह बंद हो जाता है। इस तरह से हर साल कई लोगों की जान बच जाती है। और आठवें नंबर पर है शोनन मोनोरेल ट्रेन। आपने ट्रैक के ऊपर चलने वाली ट्रेन तो बहुत देखी होगी, लेकिन जापान में ट्रैक के नीचे भी ट्रेन चलती है। मोनोरेल एक ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि इनके बीम के सहारे चलती है, और इसके सारे कोच भी इससे जुड़े हुए होते हैं। इसका पाथ सड़क मार्ग से लगभग 10 फीट या इससे भी अधिक ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे कि यात्रियों को ट्रैफिक से बहुत आराम मिलता है। साथ ही यात्रियों की सुविधा का ख्याल भी रखा जाता है। और नौवें नंबर पर है हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। क्यों, चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जरूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई हुई है। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरतों को पूरी करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोग के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है। तो दोस्तों आपको ये जापान की टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।